नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. एक्सपीरियंस. वेरी गुड. एक्सपीरियंस. ये पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट है कि आप इस पॉइंट को अगर जान गए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी. चलिए मैं मिलता हूँ एक कैंडिडेट से. मिस्टर देवेंद्र, यू बिलोंग टू विच प्लेस? बठिंडा. ओके देवेंद्र हमारे पास बठिंडा से आई है, ये मानसा से आई है, ये हरियाणा के स्टूडेंट है. तो अपने पास स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जितने भी आते हैं कोशिश करते हैं अपने कि उनको अपने अपना 100% दें और उन्हें उनके टारगेट तक पहुंचाए. देवेंद्र यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी मेडिकल डॉक्टर एंड सेम केस राहुल हैज कम टू फ्रॉम बीकानेर. प्लीज स्टैंड अप. राहुल योर एजुकेशन इज बीकॉम. बीकॉम. आपको कोई एक्सपीरियंस है राहुल अभी तक जॉब का? नहीं. राइट. अब देखो दो ऑप्शन है, आप बीकॉम और आप बीए हो, आप साइंस के भी नहीं हो और आपको जाना किस कंपनी में है? मेडिकल फार्मा कंपनी में, साइंस कंपनीज में. अब देखो इसका, देखो मैं बताता हूं आपको कि कैसे डिप्लोमेसी खेली जाती है, आप इंटरव्यू को कैसे जीतते हो. दीदी आप दोनों मेडिकल रैप बनना चाहते हो और आप दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने रिज्यूमे में क्या करते हो, बड़ा बड़ा एक वर्ड लिखवाते हो एक्सपीरियंस, और आगे पता क्या करते हो, छोटा सा वर्ड लिख देते हो नो एक्सपीरियंस, या फिर क्या लिखवा देते हो मैं फ्रेशर हूं. क्या लिखवा देते हो? मैं फ्रेशर हूं. अब कितना गलत इंप्रेशन दे दिया आपने. क्यों गलत दे दिया? क्योंकि एक तरफ तो आपने बड़ा बड़ा क्या लिख दिया? एक्सपीरियंस. और नीचे क्या लिख दिया? मैं फ्रेशर हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो बताइए उस लाइन का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ, क्या तुकबंदी बनी कि आपने बड़ा सारा लिखा एक्सपीरियंस, नीचे लिखा सॉरी? यही बात लिख दी आपने. इसका क्या इलाज है? इसका इलाज आपको फार्मा में जाना है, आप बीए बीकॉम हो, आपको पता है कि आपका जो जिंदगी है, आने वाला जो टेन्योर है, जो आने वाली अर्निंग है, घर में जो कमाई आएगी मेरी, वो किसके द्वारा आएगी? दवाइयां, ड्रग्स. राइट. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ महीने एक मेडिकल स्टोर पे अपना टाइम लगा लो? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तीन महीने आप एक मेडिकल स्टोर वाला, एटलीस्ट आपका फ्रेंड हो, आपके पापा का फ्रेंड हो, आपका नोन हो, आपका नेबर हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, जिसके पास आप टाइम लगा लो. थोड़ा सा टाइम लगाते ही आपको पता लग जाएगा कि आईडेक्स क्या काम आती है, थोड़ा सा टाइम लगाते ही आपको पता लग जाएगा कॉपी फिल्म में सॉल्ट क्या क्या है, आइबुप्रोफेन है और क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, उसका रोल क्या है. थोड़ा सा टाइम लगाते आपको एंटीबायोटिक्स की समझ आ जाएगी कि आपका जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन है वो मैक्रोलाइड है और जो क्विनोलोन्स होते हैं उसके अंदर ऑफ्रोक्सिसिन लिवोफ्लोक्सिसिन आता है. थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा, वो नॉलेज आपके बहुत काम आएगा. तो जो आपने एक्सपीरियंस लिखा उसको आप भर दोगे कि सर आई हैव वर्क एट मेडिकल स्टोर फॉर दीज मेनी मंथ्स, फॉर दीज मेनी ईयर, तो आपका एक एक्सपीरियंस बन गया. तो अब आप क्या नहीं रहे? फ्रेशर नहीं. हाँ बहुत से लोग ऐसा कहेंगे आपको आने वाले टाइम के अंदर कि नौकरी एक्सपीरियंस वाले को मिलती है, पर मुझे बताइए कि इस दुनिया में सारे एक्सपीरियंस पैदा हुए थे क्या? उसमें नौकरी तो मिली थी लोगों को. तो ये हमारी सिर्फ मेंटल टेंडेंसी है कि एक्सपीरियंस वाले को मिलती है. हाँ अगर आपसे इंटरव्यूअर कल कह दे कि यार तुम तो फ्रेशर हो, मैं तुम्हें क्यों लूं, तो आप बोल सकते हो सर मेरे बॉस से दोस्त है जो मेडिकल रैप है, मैंने उनके साथ काम किया है. और करिए, झूठ क्यों बोलते हो? कभी चले हो उनके साथ? मैंने रिटेलिंग देखी है, डिटेलिंग देखी है, मैंने देखा है वो मेडिकल स्टूडेंट वालों से कैसे मिलते हैं, मैंने देखा है डॉक्टर को कैसे डिटेलिंग करते हैं. मुझे मालूम है सर ड्रग्स के बारे में, मुझे मालूम है, स्टडी करी है मैंने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है सिस्टम्स क्या होते हैं. तो सर मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रेशर हूं, मेरे नॉलेज सर अच्छा है और मैं अपग्रेड करूंगा सर इसको जिस तरीके से आप मुझे जॉब मिलती है. तो कुछ भी आप पॉजिटिव साइन दो, ये नहीं कि एकदम से आपने स्टेनगन देखी और दोनों हाथ खड़े कर देगी सॉरी सर आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन.